अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, आज हम दोबारा इंजन की वीडियो लेके आए हैं, वही रेहान भाई के पास। ये हमारे रेहान भाई, इनको तो आप जानते होंगे। अच्छा, इनसे हमने बहुत काम किया माशाल्लाह, बहुत अच्छे बंदे हैं। और इनके पास कुछ नया स्टॉक आया था, इन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया। तो रेहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि और व रेहान भाई, क्या बरकातहू। हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। रेहान भाई, कुछ स्टॉक में नया है आपने बताया था, तो हाँ, हम आ गए। स्टॉक में अंदर आया है नया इंजन के हवाले से। तकरीबन कोई 3-4 दाने आए हैं और घेर भी आए हैं, तो मैं आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह वो भी। और ये कुछ इस नया वो जो पड़े हुए थे, ये तो पुराना है। खैर, ये जो सेटिंग वगैरह करी है इस जगह की, अच्छा, वो हाँ इस दफा कुछ अलग ही लग रहे हैं। हाँ सेटिंग करी है, तो आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं गारंटी वाले इंजन से, देखें। ये डिलीवरी जाएगी हाँ, इसकी क्या? गारंटी नहीं, बिल्कुल बेच दिया ये। ये बेचा नहीं है, ये तैयार आया है, करके पैक कर दिया। तैयार कर ये आया है भाई, साफ इतना नया जैसा इंजन था, बिल्कुल साफ सुथरा, 0 मीटर जैसा। तो इसको इसमें पैक करने की ज़रूरत थी, तो इसको जो है सही सही। पैक कर दिया विदाउट घेरे, गारंटी वाला है। और दूसरा डेज वाले पड़े में, डेज वाली असम्बली आई है, ये बड़ी हुई डेज वाली देखो, ये निसान डेज। निसान डेज, ये हाईवे स्टार वाली है, ये हाईवे स्टार है, उसमें दोनों में एक ही इंजन दोनों लगता में एक ही है, एक ये निसान डेज। और दूसरे एक ही असम्बली है बड़ी, ये कौन सी गाड़ी है? ये भी निसान डेज वाली, ये भी निसान ये डेज। भी और एक वो बड़ी। ये कंप्लीट इंजन तो नहीं है? कंप्लीट नहीं है, ये असम्बली आई है, जैसे मैनिफोल्ड लगा हुआ है साइड का, इंजेक्टर वगैरह सही है। अभी तो कंप्लीट प्राइस की बहुत बताएंगे ज्यादा या जो है फिर ना, आप कॉल पर बताएंगे प्राइस? जाएंगे तो इंशाल्लाह कॉल पे ही बताएंगे। चले, फिर मैं आपका नंबर डालूंगा हाँ, इस स्क्रीन पे, आपका भी ठीक नंबर चल रहा है इस पर भाई, ठीक जिसको भी कांटेक्ट करना है ये नंबर चल रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करिए। और ये दूसरा ये पड़ा हुआ ये कौन N1 सा? वाला है, N1 होंडा हाँ N1, होंडा N1 वाला है। ठीक है। ये कंप्लीट इंजन है? ये कंप्लीट पड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। ये कंप्लीट है। और दूसरा बड़ी वो चल रही है, डिमांड चल रही है, 1NZ और 2NZ, एक दाना पड़ा हुआ है वो भी असम्बली का, ये पड़ा हुआ वाइट जैसी असम्बली है अंदर से। ये तो खैर इसका ऊपर कवर होता है, तो इससे नजर नहीं आती है। ये टेपेड कवर बिल्कुल ऐसा होगा, ये कौन सी गाड़ी है? लाइट, ये करोला वाला है, 1.5 1500 सीसी। ये 2009 के बाद जो मॉडल आया उसका? 2007 में भी आया है, 5 में भी आया है। 5 के अंदर तो खैर अल्टस आ गई है, लेकिन ये भी आया 8 में, 10 में, 11 में, 12 के अंदर ये तक आया, ठीक है। 14-15 के अंदर गारंटी कर दी है, तो जो आपको दिखाया वो लेटेस्ट वाला मॉडल, ये जो पड़ा हुआ है ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। और पासो का भी लेटेस्ट मॉडल पड़ा हुआ है 2014 के अंदर जो आया, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये रखो, ये रहा, ये पासो का है लेटेस्ट वाली जो आई है, विदाउट घेरे, हर चीज से पूरा है। तो दिखाऊं मैं आपको, ऐसा होगा अल्लाह के हुक्म से, बिल्कुल वाइट जैसा, देख रहे। और दूसरा टेरिस किट वाले भी पड़े हुए, ये रख, दो दाने सादे वाले हैं, ये टर्बो वाले नहीं है, ठीक है, 660 सीसी, ये भी विदाउट गियर है। छः सौ साठ सी सी है विदाउट टर्बो। वो मेहरान वाला भी इसके अंदर एक इंजन पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये EFI वाला है, ठीक है, ये देखें, ये बहुत कम आता है और हेवी टर्बो, क्या रहा टर्बो नजर आ रहा है, ये रहा टर्बो, ये टर्बो है, ये भी गियर नहीं आया असल में, ये एक लाड ली थी तो उसके अंदर जो है ये आया है। एक को ये चांस वाले जो दाने होते हैं ना, ये दो दाने निकले, एक ये पड़ा हुआ एक वहां पर रखा हुआ है, और टर्बो ये आते ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि वहां से जो है जापान से, ये हॉलैंड की गाड़ियां हैं, हॉलैंड कोरिया वोरिया के अंदर जो चल रहे, जापान के अंदर इतना पुराना काम नहीं करता जापान, तो ये भी आए, ये भी जबरदस्त जैसे इंजन। सही सही।
भाई ऐसे ही आते हैं ये, कोई ऐसे ये 0 मीटर तो है नहीं, कोई मेहरान के बंदा बोले कि हाँ यार ये 20-22 वाली चल रही है तो 0 मीटर होगी, मैंने फुल लगा हुआ है और टर्बो वाले इंजन है आपके वो, नहीं भाई कुछ चाहिए न्यू पाकिस्तानी ऑल्टो के इंजन है, न्यू पाकिस्तानी वाले के, हाँ जी न्यू पड़ गए, कंप्लीट नहीं है हमारे पास, अजय मैं दिखाऊँ ठीक है, लोगों की डिमांड रही न्यू पाकिस्तानी ऑल्टो के इंजन की ना, रखे भाई ये बड़ा बस शाम भाई ठीक है ठीक है, ये घेर नहीं है, घेर की बहुत डिमांड है, घेर है ही नहीं, शॉर्ट कार्ड वगैरह इसमें सब कुछ है, हाँ कार्ड नहीं है, कंप्यूटर कार्ड वायरिंग कुछ भी नहीं है, असेंबली आती है, असेंबली आती है, मैनिफोल्ड और इंजेक्टर लगे हुए आते हैं, वो कॉइल आ जाए तो चांस पे आ जाए बस, इसलिए यही बचता है और कुछ नहीं, और एक दूध आने वहां पर बड़े में मैं देखता हूँ आप, ये बड़ा और ये अलग हुकुम से ऐसे होंगे बिल्कुल वाइट जैसे, ठीक है और ये आपको लोगों को पहले भी दिखाई थी कि K6 वाले हैं, जी जी जी, और ये आपने इसकी, हाँ ये भी बताया हुआ हाईजेट की, ये हाईजेट वाली, इसके अंदर एक ये है ओरिजिनल वाली, ये हाईजेट के बाकी जो ये मीरा पे तैयार, मीरा पे तैयार हुई है हाईजेट के, अच्छा ये हाईब्रिड कौन सी गाड़ी का, ये फिट है होंडा फिट, होंडा फिट का है ये तो, दिखने में तो उसकी तरह ही लगता है जैसा, नहीं बस महंगा नहीं है पुराना, अभी तो फिलहाल जो नई खरीदारी कर रहा है उसके लिए तो महंगा ही है, ये हमारी पुरानी खरीदारी है, बिल्कुल ऐसा होगा असम भाई चला ही नहीं, तो इसका कुछ प्राइस वगैरह बताएंगे, इसके प्राइस जो है अगर कोई बदले में हमारे को अपने वाली असम्बली दे देगा तो हम आपको ये जो है ना असम्बली अल्लाह के हुक्म से जो है 65,000 रुपए की दे देंगे, ठीक है, तो अच्छा ये वैसे कंप्लीट इंजन नहीं है, इसमें भी घेर नहीं है, इसमें भी घेर आते हैं लेकिन कोई घेर मांग ले तो किसी को घेर दे दिया, सही आपको है। पता आप हर कोई आपको कंप्लीट आता है, कंप्लीट आता है, देखिए ये पड़ा हुआ ना कंप्लीट इस तरीके से आता है, ये पड़ा हुआ, ये कंप्लीट कौन सी गाड़ी का, ये 1KR का है, विट्स, विट्स 2007-08 वाली, ये इस तरीके से आप देखो इसके अंदर, उसके अंदर, इसके अंदर कंप्यूटर कार्ड नहीं लगा हुआ, वो आपने मतलब के किसी को जरूरत थी तो उसको दे दिया, नहीं इसके अंदर आया ही नहीं, अच्छा आया ही नहीं, हाँ आया ही नहीं वहां से, और ये यहाँ पर इसके अंदर लगा हुआ, ये विट्स से पास हुआ, विट्स है, विट्स ये दोनों, ये रहा और दो ये दाने ये पड़े हुए, कल इसका घेर बेचा, विट्स से पास हुआ, एक जैसे इंजन है, एक जैसे है लेकिन वो शनाख्त उसकी अलग अलग है, इस गाड़ी इसका जो है ना घेर बेचा शायद वो पड़ा हुआ है, इसका जो है ना कल घेर बेचा खोल के, अच्छा अच्छा आज आपको जो है ना अपने गोदाम का ऑफिस का विजिट करा दे, आपका ऑफिस तो शायद देखा हो तो, मैंने तो देखा हुआ है शायद पब्लिक ने नहीं देखा, हाँ आज उनको दिखा, देखा उस वक्त जब दिखाया था पहले तो बड़ा फैला हुआ था, बड़ा फैला हुआ था, माशाल्लाह सेटिंग हो गई, अभी तो अब ये दिखाएं आपको कंप्यूटर कार्ड की लाइन, ये देख उसमें आपके हर गाड़ी का, हर गाड़ी का अलग हुकुम से आपको कंप्यूटर कार्ड इसके अंदर मिलेगा हमारे पास, अच्छा तो ये मतलब कि क्या क्या चीजें हैं ये तो मुझे पता भी ये नहीं, ये तो ये पावर पंप आ गए मिक्स गए, ठीक है इसके अंदर होंडा के भी हैं, प्रोस्मेटिक के भी हैं सब है, और ये नंगे स्पेंडल आ गए, बाद वगैरह जो लोग होते हैं ना कम्प्लीट, और उसको मैं बताऊं देखिए कम्प्लीट ये होता है, एक मिसाल है ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है इसके अंदर ये शाकर लगेगा तो ये पूरा शाकर के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है और ये पड़ा हुआ है ये नंगे स्पेंडल है, सही क्लीपर ये पड़े हुए इसके, ये ऐसा होता है कंप्लीट, सही सही ठीक है, और ये मैनिफोल्ड पड़े हुए प्लास्टिक वाले, किसी के अंदर थोड़ल बाड़ी लगी हुई है नहीं लगी हुई, और इसके अंदर XLI वाले पड़े हुए, चूहो सिटी के पड़े हुए, इसके अंदर प्रोस्मेटिक के पड़े हुए, ये पड़ा हुआ प्रोस्मेटिक का, ठीक है और ये सारे इंजेक्टर पड़े हैं मिक्स मिक्स लाड है इंजेक्टरों की सारे, विट्स के हैं, मीरा के हैं, पास हो गए हैं, तो यहाँ भी माशाल्लाह जिस हिसाब के आपके पास शौक है जी, तो मतलब कि अगर आपसे कोई कहे कि मुझे फला गाड़ी का कार्ड चाहिए तो आपको मतलब इतना तो जहन में होगा ना कि आप, हाँ हाँ क्यों आए, अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं तो इसका पता होता है कि आपको कौन सी गाड़ी का कार्ड चाहिए, नहीं मतलब इसमें आपको आइडिया हो जाता, मुझे तो ये कार्ड ही समझ नहीं आएगा कौन सी गाड़ी, हर गाड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ये पड़ा हुआ ये पास होगा, अच्छा ये पासो वाले हैं, ये मीरा मीरा और पासो के जो है ना सेम जैसे ही होते हैं, बस साइज के अंदर छोटे बड़े दोनों में आते हैं, मीरा का भी ऐसा आता है, असल में जो इसकी पहचान होती है ना शाम भाई मैं आपको बताऊं, इसके जो पहचान होती है वो आपको ये नंबर नजर आ रहा होगा, ये नंबर देखा है, सारे नंबर जी जी 83
ठीक है। अब इसी के अंदर आप आ जाए, ये दूसरे वाले के अंदर, इसके अंदर बी नंबर का ये रहा, ये टू ई लिखा हुआ, अगर ये टू ई लिखा हुआ है, ठीक है, टू ई बी ई इस तरीके से कोड पे बिकता है, ठीक है। अब ये दूसरा इसके अंदर आ जाए, ये सारे चूहा सिटी के, प्रोस्मेटिक के, सब सेम जैसे होते हैं, लेकिन आप लेके आएंगे और बाद वक्त जो लोग हैं वो बोलते हैं कि यार भाई सबके रेट मुख्तलिफ है, देखिए मुख्तलिफ है सबके, कोई 5,000 का है इसके अंदर, कोई 2,500 का भी है, कोई इसके अंदर 10,000 का भी है, कोई इसके अंदर जो है ना 25,000 का भी कार्ड है। अच्छा, हर गाड़ी के मुख्तलिफ है। तो आपके अंदाजे से सबसे महंगा कौन सा कार्ड होगा? सबसे महंगा जो पाकिस्तानी, जो होंडा भी जो चल रही है, जो ये EXI जो 97-96 पाकिस्तानी वाली कंप्यूटर कार्ड वायरिंग, कम पैसों के अंदर 35,000 रुपए की है शाम भाई, 35,000 रुपए की कम पैसों में, आपको मैं बता रहा हूँ, बल्कि तो है ही नहीं। पहले हम लोग इंजन गियर लेके आते थे, इंजन गियर हमारे को पड़ता था, अल्लाह आपका भला करे, कोई 1,10,000, 1,20,000, आज 2,50,000 रुपए की खरीदारी है, घर में पड़ रहा है 2,50,000 रुपए का, तो उसको ठीक है ना। अब ये सारे कंप्यूटर इसके अंदर देखे, मैं आपको और भी बताऊ, देखे अब ये लिखा हुआ है 100Z, ये हमारे को पता है कौन सी गाड़ी का है, अल्टस का है। टोयोटा कौन सी अल्टस मॉडल? अल्टस 1800cc। अच्छा अच्छा, नहीं मॉडल वही गारंटी वाला? नहीं नहीं, गारंटी वाले नहीं, गारंटी से पुराना वाला। अच्छा अच्छा, उसमें 1600cc आया, उसके अंदर 1600 भी है, 1800 भी है उसके अंदर, अल्टस के अंदर दोनों है। अल्टस जो है ये हमारे पास, ये 1800cc वाला है, सही है, हमारे को पता चलता है। अब ये देखिए सीरीज के हिसाब से होता है, अब बंदा जो है ना बाद वक्त ऐसे होते हैं शाम भाई के लेके आते हैं कंप्यूटर कार्ड वायरिंग ना, बंदे बोलते हैं कि हमारे को उसी के हिसाब से चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हम ये वो दे देते हैं उनको, कार्ड मैचिंग जरूरी नहीं है, लेकिन हर कोई कार्ड, हर जापान जो बना रहा है वो अपने हर तरीके से बना रहा है, लेकिन ये कोई ना कोई कार्ड इसमें इतने सारे पड़े हुए, कोई ना कोई तो मैच होएगा ही होएगा, सही बात है। तो इसलिए हम जो है 3-4 कार्ड एक्स्ट्रा दे देते हैं कि जिसके ऊपर आपकी गाड़ी सेट हो जाए वो रख लो, बाकी हमारे को वापस कर दो। और दूसरी बात ये पड़े हुए हमारे पास कंप्रेसर, कंप्रेसर भी दिखाए ना आपको कि हम लोग ये खोलते हैं तो किस किस चीज के अंदर जाते हैं साम भाई, ये कंप्रेसर की लाड है, ठीक है। अब ये हमारी गाड़ी के अंदर जो आता है पूरा कंप्लीट सेटअप होता है, ठीक है, हर चीज लगी हुई होती है, कंप्रेसर ये सारी चीज है, तो हमारे हर चीज बिकती है, तो जब ये इंजन बिक गया, घेर बिक गया, तो हमारे पास ये पड़ता है कंप्रेसर, जब कंप्रेसर हमारा बचता है तो ये कंप्रेसर वाले एसी वाले सब हमारे से आते हैं, लाड उठा के ले जाते हैं, हम कस्टमर को एसी ये देते नहीं है, मतलब कि ये आपने ये कस्टमर को नहीं देते, कस्टमर आता है वो जिससे काम करवाता है, जाहिर सी बात है वो भी तो हमसे खरीद के लेके यार अपना बेचेगा या हमारा लगाएगा, बताया सही बात है, कस्टमर का दिल खराब ना हो। तो ये लाट पड़ी हुई है, पीछे पानी के फ्लेंच पड़े, ये सारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह जापानी पड़ा हुआ है सब इसके अंदर, तो आपके पास काम नहीं लोकल। कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर कस्टमर आता तो किसी चीज से खाली हाथ नहीं जाएगा, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह सब चीज मिलेगी अल्लाह। आ जाए दूसरे, आपको सेल्फ जनरेटर की लाट दिखाऊं, मैं सेल्फ जनरेटर ये पड़ी दिखाई नीचे ऊपर, ये सेल्फ जनरेटर की लाइट पड़ी हुई पूरी इसके अंदर, असम भाई हर हर गाड़ी का मिक्स है, सही। अब देखिए हमारे को तो कुछ कुछ की होती है जो पहचान होती है, जो हम बता देते हैं कि यार ये फना गाड़ी का ये इसका है, नहीं तो हम बोलते हैं कि यार अपने साथ जो है ना सैंपल ले आओ तो इजीली आसानी हो जाती है। जी जी। ये सारे सेल्फ पड़े हुए, नीचे ये सारे जनरेटर पड़े, अब नीचे ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटरों की लाइट पड़ी हुई है, कहीं ऐसा ये सो लगा हुआ है तो बंदा ये ना समझे कि यार ये लोकल के पड़े हुए, या हमारा काम नहीं है लोकल का, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर, ये इसके अंदर कल्टस के भी हैं, ठीक है, इसके अंदर होंडा के भी हैं, इसके अंदर मिनी बिजारो वाले भी हैं, इसके अंदर हर गाड़ी के जो है ना मिक्स है सारे, और इसके अंदर ये आ जाए टोटल बॉडी बड़ी में सारी सारी ये भी मिक्स है, ये बड़ी भी है, टोटल आपके पास जापानी है, सारी जापानी है सारी सारी जापानी, हमारा लोकल का काम ही नहीं ना, ये देखें ये पड़ी, ये सारी लाइन्स है, अगर आप दिखा सकें पूरे, ये देखें सारी, ये टोटल गाड़ियाँ पड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ियों की, बहुत सारी मिक्स गाड़ियों की है, सब मिक्स है, मतलब कि कोई भी गाड़ी के लेना चाहे तो मिल सकता है, हाँ सब ले सकते हैं। तो भाई आप लोगों को अगर लेना हो तो इसके नीचे अभी नंबर चल रहा है, इधर आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट करें, रेहान भाई का नंबर है, और फाउंडेशन भी आपको मैं लाट दिखा दूँ, ये देखें फाउंडेशन ये पड़े हुए सारे, आज मैंने बोला इंजन वगैरह तो सब दिखा दिए, तो कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए, जो इंजन की लाड आई हुई थी वो दिखा दी मैंने, तो कुछ हमारे पास ये सस्पेंशन भी पड़ा हुआ होता है
कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारा ही पड़ा हुआ होता है जिसकी आपको मैंने बुलाया, मतलब चलो आज कुछ नया दिखाते हैं अपनी पब्लिक को, सही बात जो है। कि वो हर चीज़ के ऊपर, इंजन के ऊपर, हर चीज़ पे, गाड़ी के रिलेटिव भी है तो इतना प्यार दिखाते हैं, वो गाड़ी के ही हैं सारे, तो इतना प्यार आप लोग दिखाते हैं वीडियो में, इतनी सपोर्ट करते हैं, और माशाल्लाह हम कहाँ आते हैं, आपने कहाँ से लेके कहाँ पहुँचाया हमारे को, और माशाल्लाह इन्होंने वाली वीडियो जो रेहान भाई आपके साथ जी हमने जी बनाई थी, बहुत बहुत अल्लाह का बहुत, से वो भी बहुत अभी तक माशाल्लाह वो ट्रेंडिंग के अंदर ही जी चल रही है, जी और आप अच्छे लोगों खासे से जो व्यूज है आ रहे हैं, लोगों के कॉन्टेक्ट आ रहे हैं लोगों बहुत ने। खुशी होती है सम भाई, मैं देखता हूँ, यकीन करें आप, इतना इतना खुशी होती है, इतना प्यार मिलता है लोगों से, तो हम ये चाहता हूँ कि यार हर चीज़ जो मुझे मालूम आ जाए मैं आप तक पहुँचाऊँ, ये मेरा काम है, तो थैंक यू इसलिए मैं सो आपको जो मच। है फ़ोन करके बुलाता हूँ कि नहीं यार सम भाई मेरे पास आए, आपको हर चीज़ के हवाले से बताते रहते हो, आज ये स्टेयरिंग बक्से पड़े में स्विफ्ट वाले, सही, ये स्विफ्ट, ये सारे स्विफ्ट ये के, सारे स्विफ्ट के बाकी आपके जो स्टेयरिंग बक्से वगैरह वो नीचे लगे हुए नीचे भी है, दुकान लेकिन में, नीचे कुछ जगह कम पड़ती है तो ऑफिस भी गोदाम बनाया में हुआ लगा है, देते हैं। तो ये फाउंडेशन पड़े दिखा रहा था मैं आपको, ये मिक्स पड़े मैं सारे गाड़ी अच्छा, तो के मिक्स आपका है, गोदाम भी तो बना हुआ है वहां पे? गोदाम भी है, गोदाम के अंदर दो तीन आए हुए गेयर और एक दो इंजन थे निशान क्लीपर वगैरह के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कस्टमरों के आती है रिक्वायर्ड, बोलते हैं कि यार नहीं हमारे भाई, को वो चाहिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे, ये वीडियो हाँ तो बहुत ही ज्यादा ये लंबी अगर चली गई लंबी है। चली जाएगी तो फिर इंशाल्लाह उसमें चलेंगी, आज मैंने बोला ऑफिस का आपको थोड़ा विजिट करा, तो और यार दूसरे भाई, देखिए पुलियाँ आपको दिखाएं, ये ये देखिए ये पुलियां क्या चीज सारी, होती ये है? मेन पुली, मेन पुली मैं आपको बताऊं कि देखिए ये मेन पुली है जो इंजन चलाती है, अच्छा ठीक अच्छा है, ये क्रेन की पुली है जो वीटीआई के अंदर लगती सही है, ये प्रोस्पेटिक वाली है जो बेल्ट को एडजस्ट करती है, सही सही ठीक है, और तरह तरह की वीटीआई वाली है जो हेड के ऊपर की उसको रोकती है, सही ठीक है, ये पड़ी हुई, ये प्रोस्पेटिक की पड़ी हुई है, ये प्रोस्पेटिक की मेन पुली है, सही ये सारी लाट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर गाड़ी की अल्लाह के हुक्म से, आप आएंगे तो इंशाल्लाह मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है भाई रहन भाई, तो फिर वीडियो को एंड बस ये, करें। और जाते जाते बस ये बात करेंगे आपसे, जैसे आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को सपोर्ट करा है, और आप लोगों से दरख्वास्त भी यही है कि, और उम्मीद भी यही है कि इंशाल्लाह इसको भी बहुत आगे तक लेके जाएंगे, बस इंशाल्लाह जो है जल्दी जल्दी शेयर करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आगे से आगे पूछें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।